हेलो एवरीवन, मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको टेस्टी खीर बनाने का एक परफेक्ट तरीका बताने वाली हूँ। वैसे तो खीर कई तरीकों से बनाई जाती है, लेकिन आज जो हम बताएंगे उससे खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं खीर बनाना। खीर बनाने के लिए मैंने ये 1.5 लीटर दूध लिया है। इसको मैंने उबाल लिया था और इसकी मलाई को उतारा नहीं है, मलाई इसके अंदर ही है। और ये मैंने एक छोटी कटोरी चावल लिए हैं, ये मोटे वाले चावल हैं जो हम खीर और खिचड़ी में यूज करते हैं। दूध को मैंने गैस पर रख दिया है उबलने के लिए। इधर ने हमारा दूध उबल रहा है, मैं चावल को अच्छे से साफ कर लेती हूँ। ये मैंने चावल को वॉश कर लिया है और इनको भिगो दिया है। तो चावल को हम थोड़ी देर भिगो देंगे। दूध में हमारा उबाल आ गया है और अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और चावल का पानी निकाल कर चावल को हम दूध में डाल देंगे और इसको चमचे से तली तक घुमाते हुए अच्छे से घुमाएंगे। तो ये मैंने चावल को घुमा लिया है अच्छे से। तो दूध हमारा उबल रहा है, हम बीच बीच में चमचे निकालते रहेंगे इसमें और अपना काम करते रहेंगे और गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। तो हमें बीच बीच में चमचे को निकालते रहना है इस तरीके से, नहीं तो हमारे जो ये चावल है नीचे तले में बैठ जाएंगे और हमारी खीर का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो चावल हमारे अच्छे से पक चुके हैं, लेकिन अभी ये इसमें अच्छे से मैश नहीं हुए हैं। दूध हमारा अलग है और चावल अलग है। तो हम इस पर थोड़ी देर इसे ढक देते हैं और थोड़ा हम इस तरीके से इसको खुलाई रखेंगे। तो 5 मिनट बाद हम इसको देखेंगे। चावल हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं, आप देख सकते हो चावल अच्छे से घुट गए हैं। अब मैंने इसमें 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दो, वरना इसके बिना भी बना सकते हो। तो इलायची को अच्छे से मिला दिया मैंने इसमें। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। तो ये मैंने इसमें 2 बड़े चमचे चीनी के डाल दिए हैं। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जैसा कि आप मीठा खाना पसंद करते हो। चीनी को मैंने अच्छे से मिला दिया इसमें और अब मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी। तो चीनी डालकर भी अच्छे से हमारी खीर पक चुकी है और अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। फ्रेंड्स, ये खीर इतनी टेस्टी बनती है, अगर आप इस तरीके से एक बार खीर को बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, आप बनाकर देख लेना। अब मैं इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। तो ये मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। खीर हमारी बनके तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।